हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसका सॉन्ग यूज करना चाहते हैं। वीडियो लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। वीडियो को डिलीट कर देना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। फिल कर देना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है। आपको यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। आपको यहाँ से इसको डार्क कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। फोटो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से यूज कर सकते हैं। फोटो पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। फोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आपको इसको ऊपर की साइड कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। एडिट सेव पर टैप करना है। एक्स पर टैप करना है। 150 कर देना है। टिक कर देना है। बैक आना है। सेव लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। इसकी पोजिशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है। साइज को बढ़ा देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। बैक आना है। फोटो एंड सेव लेयर पर टैप करके होल्ड करना है। आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। इमेज पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आप यहाँ पे इसे सेंटर में कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है। बैक आना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। नीचे की साइड कर देना है। बैक आना है। कॉपी ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। इमेज को डिलीट कर देना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से सेकंड फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। फोटो लेयर के साइड में टैप करके होल्ड करना है। नीचे की साइड कर देना है। फोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आपको इसको सेंटर में कर देना है। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप लेयर में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है। आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। स्टार्टिंग में आना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस पर टैप करना है। 1.0 कर देना है। एंड में आना है। प्लस पर टैप करना है। 2.0 कर देना है। नीचे की साइड आना है। स्पेसिंग पे टैप करना है। 3.0 कर देना है। मैग्नीट्यूड पे टैप करना है। 1.5 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पे टैप करना है। ब्लर पे टैप करना है। आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। बैक आना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। कॉपी इफेक्ट करना है। बैक आना है। कॉपी ग्रुप पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। पेस्ट इफेक्ट कर देना है। बैक आना है। एच डी आर इफेक्ट ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। फिल स्क्रीन कर देना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है। आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। बैक आना है।
शेप लेयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, नीचे की साइड आना है, आपको यहाँ से इस पर टैप करना है, थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है, बैक आना है, इफेक्ट ऐड करने के लिए शेप लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, अदर पर टैप करना है, कॉपी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, ब्लर पर टैप करना है, आपको यहाँ से ग्लेशियर ब्लर को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, कलर एंड लाइट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ग्लेशियर ब्लर पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, 0.030 कर देना है, बैक आना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, -0.98 कर देना है, बैक आना है, प्लस पर टैप करना है, आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है, सेव लेयर पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, फिल स्क्रीन कर देना है, कलर एंड फिल पर टैप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, बैक आना है, लेयर पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है, सेकंड लेयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, नीचे की साइड आना है, इस पर टैप करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है, बैक आना है, लिरिक्स में इमोजी ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पे इमोजी टाइप कर सकते हैं, कलर पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, आपको इसको नीचे की साइड कर देना है, इस पर टैप करना है, इमोजी को सेंटर में कर देना है, फॉन्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से iOS फॉन्ट सेलेक्ट करना है, iOS फॉन्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से यूज कर सकते हैं, 18pt पर टैप करना है, आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, टिक कर देना है, सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है, देन आपको लिरिक्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है, इमोजी लेयर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकते हैं, कलर पर टैप करना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, लिरिक्स को सेंटर में कर देना है, फॉन्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, फॉन्ट आपको अलाइट मोशन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, 18pt पे टैप करना है, आप यहां से इसके साइज को कम कर सकते हैं, टिक कर देना है, लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए लिरिक्स पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, आपको सर्च बार पे टैप करना है, टेक्स्ट स्पेसिंग को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, लेटर पर टैप करना है, 12 कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, सर्च बार पर टैप करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है, एंड में 100 कर देना है, नीचे की साइड आना है, आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है, आपको लेटर पर टैप करना है, वर्ड सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, एक्स पर टैप करना है, 50 कर देना है, नीचे की साइड आना है, अल्फा पर टैप करना है, -1.0 कर देना है, नीचे की साइड आना है, इस पर टैप करना है, इन पर टैप करना है, +100 कर देना है, इस पर टैप करना है, -100 कर देना है, लास्ट में आना है, इस पर टैप करना है, 150 कर देना है, बैक आना है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, शैडो पर टैप करना है, इसको इनेबल कर देना है, कलर पर टैप करना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, 1.0 कर देना है, इस पर टैप करना है, शैडो को इनेबल कर देना है, कलर पर टैप करना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, साइज पर टैप करना है, 0 कर देना है, बैक आना है, लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आगे की साइड कर देना है, लिरिक्स के अकॉर्डिंग कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पर सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन टाइप कर सकते हैं, टिक कर देना है, वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है,